जिसने तय की मऊ की दिशा और दशा, उसके काले साम्राज्य का अंत हो गया। 15,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति छोड़ गया मुख्तार। अब कौन संभालेगा मुख्तार का कारोबार? संपत्ति को संभालने वाला कौन होगा अगला मुख्तार? पूर्वांचल की डॉन का खात्मा हो चुका है। वाराणसी, मऊ और गाजीपुर से लेकर गोरखपुर तक जिसका दखल था, रेलवे हो या फिर कोई और ठेका, बस मुख्तार का नाम ही काफी था। साल 1990 से साल 2010 तक मुख्तार ने अपने आसपास के इलाकों में अपने नाम की एक दहशत फैलाई थी। खौफ ऐसा था कि पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे में टेंडर मुख्तार के कहने पर ही निकलते थे और रद्द होते थे। तय होता था कि मुख्तार जिसे चाहेगा उसे वो काम देगा। वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया से गोरखपुर तक रेलवे के ठेकों में मुख्तार का पूरा दखल था और अपने इसी दबदबे का फायदा उठाकर मुख्तार ने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। हालांकि योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में मुख्तार के साम्राज्य पर बहुत बड़ी बड़ी चोटें की हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा साम्राज्य मुख्तार का अभी भी खड़ा है। और मुख्तार की मौत के बाद ये साम्राज्य कौन संभालेगा, यही सवाल उठ रहा है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसकी संपत्ति को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसकी कई संपत्तियों पर बुलडोजर चलने के बाद भी अभी करीब 15,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति शेष है। सवाल यही कि अब इस संपत्ति को संभालने वाला अगला मुख्तार कौन होगा, क्योंकि एक बात ये भी तो है कि मुख्तार से जुड़े कई राज, उसकी संपत्ति से जुड़े कई राज, उसके साम्राज्य से जुड़े कई राज, उसके नेटवर्क से जुड़े कई राज उसके साथ ही सुपुर्दे खाक हो गए। बड़ा बेटा अब्बास अंसारी जेल में है। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर बाहर तो है, लेकिन वो इस साम्राज्य को कैसे संभालेगा ये सवाल अभी भी बना हुआ है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस तरह की भीड़ उसके जनाजे में उमड़ी थी, उसके बाद से मुख्तार का परिवार एक अलग मोड में है। परिवार को लग रहा है कि मुख्तार के साथ जनता खड़ी है। वहीं मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने तो गाजीपुर डीएम के साथ बहस भी शुरू कर दी है, लेकिन मुख्तार के परिवार पर अब भी योगी सरकार की टेढ़ी नजर है। इधर से की गई एक गलती मुख्तार के परिवार को काफी भारी पड़ सकती है। मुख्तार की काली कमाई पर कार्रवाई लगातार जारी है। करीब 291 करोड़ 19 लाख की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 284 करोड़ 77 लाख की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। मऊ में ही 200 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की जा चुकी है। ये योगी सरकार ने पिछले 4 साल में मुख्तार की संपत्ति पर चाबुक चलाया है। साल 2020 में गाजीपुर में मुख्तार के गजल होटल को ध्वस्त किया गया था। ये गाजीपुर में मुख्तार के ऑफिस के तौर पर था। इसके साथ ही मुख्तार की एक और आलीशान बिल्डिंग को योगी सरकार ने ध्वस्त किया और उसे खंडर में तब्दील कर दिया। कह सकते हैं कि जैसे जैसे मुख्तार का आखिरी समय नजदीक आता जा रहा था, वैसे वैसे ही उसे बड़े बड़े झटके भी लगते जा रहे थे। प्रशासन एक के बाद एक उसकी प्रॉपर्टी सील कर रहा था, बुलडोजर से कार्रवाई कर रहा था। उसके बाद भी अभी मुख्तार की 15,000 करोड़ की संपत्ति बची हुई है और अब इस संपत्ति का मालिक कौन होने वाला है, इसको लेकर संशय बना हुआ है। आपको बता दें, मऊ से कई बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी को कई मामलों में सजा सुनाई गई और वो बांदा की जेल में बंद था। मुख्तार अंसारी पर यूपी, पंजाब, नई दिल्ली समेत देश के कई और राज्यों में करीब 60 मामले पेंडिंग थे। मुख्तार अंसारी की यूपी के नोएडा, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी में अरबों की संपत्ति थी और अभी भी मुख्तार के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लेकिन मुख्तार के जाने के बाद इस साम्राज्य को संभालने के लिए कौन अगला मुख्तार बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, कौन संभालेगा मुख्तार का काला साम्राज्य? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।